नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर खड़े हैं एक नए घोटाले की दास्तां लेकर आपके सामने। नान, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको शायद आप लोगों ने कभी सुना भी ना हो। ये वो डिपार्टमेंट है जो सरकारी गेहूं की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल किया जाता है। खरीद फरोख्त का माध्यम इसी डिपार्टमेंट का है। इस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले विगत वर्ष में जो यहाँ के जिला अधिकारी थे SN महेश्वरी जी, उनके सानिध्य में खरीद फरोख्त हुई और खरीद फरोख्त के बाद उसका गेहूं का परिवहन होके वेयर हाउसेज में रखा जाता है। जो गेहूं सरकारी रेट पर खरीदा जाता है खरीदी केंद्रों से, वो खरीदी केंद्रों से खरीद कर वेयर हाउसेज में रखा जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। उस घोटाले, असल में वो घोटाला क्या है ये हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताना चाहेंगे। वो घोटाला असल में ये है कि जो पास के वेयर हाउसेज होती हैं, नियम क्या है, नियम ये है कि जो पास के वेयर हाउसेज होती हैं वो गेहूं खरीद कर उन पास के वेयर हाउसेज में रखा जाता है, ना कि अपितु 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर वेयर हाउसेज में रखा जाए। क्योंकि जो पास के वेयर हाउसेज होंगे उनका जो किराया होगा वो काफ़ी कम होगा और जो दूर के वेयर हाउसेज होंगे उनका किराया काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से पिछोर खरियादाना बेल्ट से जो खरीदी हुई उन वेयर हाउसेज में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसे कई वेयर हाउसेज हैं। इस पूरे घोटाले में मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं SN महेश्वरी जी, जिनके सानिध्य में पूरी खरीदी हुई। इसके साथ एक नाम निकल के बहुत आया है, RC मौर्य। कहीं ना कहीं RC मौर्य, कपिल चंदेल, ये ऐसे नाम हैं जो नागरिक आपूर्ति से लेकर नान तक हिला के रखा हुआ है। वहीं मैं बात करूंगा इस पूरे घोटाले में महावीर गुड्स, जो परिवहनकर्ता एजेंसी थी जिसको दिया गया था ये काम परिवहन का। कभी भी परिवहन पे देने से पहले ये चेक करना चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति कहीं किसी FIR में या किसी इसी तरीके घोटाले में इंडल्ज तो नहीं है। पंकज गुप्ता जो नाम सामने आ रहा है, इस व्यक्ति पर दतिया जिले में चना चोरी के मामले में FIR दर्ज है। उसके अतिरिक्त ये इसी मामले में लगभग 2 माह जेल में भी काट के आ चुके। तो आखिर कैसे इस आदमी को इतना बड़ा काम शिवपुरी जिले का दे दिया गया, और दिया गया तो फिर वही घोटाला निकलकर सामने आया। उस घोटाले में अगर बात की जाए तो स्थानीय विधायक मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी भी के पत्र को भी महत्वपूर्णता नहीं दी गई। उस पत्र में भी सीधा सीधा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि दोबारा से खरीदी का समय शुरू हो चुका है और उस खरीदी को दोबारा से उन्हीं लोगों से, उन्हीं घोटालों के साथ खरीदी शुरू कराने का प्रयास चल रहा है। जबकि इस पूरे मामले में संबंधित पर शिवपुरी में जब इतना बड़ा घोटाला हो गया तो उसमें संबंधित पर FIR दर्ज होनी चाहिए। आखिर वो FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही, क्यों उस पूरे मामले को कागजों में दबा दिया जा रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट शिवपुरी से। खबर शिवपुरी से, जहां साल 2021-22 में गेहूं परिवहन के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इस निविदा को महादेव गुड्स कैरियर के द्वारा लिया गया था। इस निविदा को लेने के लिए महादेव गुड्स कैरियर के द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाए गए और न्यूनतम दर पर निविदा को हासिल कर लिया गया। इतना ही नहीं, निविदा हासिल करने वालों ने तत्कालीन स्टेट सिविल सप्लाईज के जिला प्रबंधक SN माहेश्वरी से मिलीभगत कर अधिक दूरी में परिवहन कर शासन को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाई, जो कि निविदा शर्तों के विपरीत था। ये पूरा मामला मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया तक भी पहुंचा। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से की गई शिकायत में हरज्ञान सिंह निवासी शिवपुरी ने बताया कि गेहूं खरीदी के लिए विभिन्न सोसाइटियों से गेहूं खरीदकर न्यूनतम दूरी अथवा व्यवस्था अनुसार विभिन्न वेयर हाउसों में परिवहन कर गेहूं जमा कराया जाता है, जिसके लिए शासन के द्वारा सोसाइटियों की मैपिंग परिवहन के लिए न्यूनतम दूरी व व्यवस्था के अनुसार की जाती है। जिले के पिछोर खनियाधाना क्षेत्र के अनुबंधित परिवहनकर्ता महादेव गुड्स कैरियर के द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर अनियमितताएं की गई। पिछोर खनियाधाना क्षेत्र की विभिन्न सोसाइटी जैसे गरेठा, भौती, पिछोर, गुडार, खनियाधाना, राजापुर, महुआ आदि सोसाइटियों की मैपिंग न्यूनतम दूरी के पिछोर क्षेत्र के वेयर हाउस, सीमा वेयर हाउस, ऋतु वेयर हाउस, इंदू वेयर हाउस, माँ अन्नपूर्णा वेयर हाउस, सरिता वेयर हाउस, अग्रवाल वेयर हाउस, रावत वेयर हाउस, जय शिव वेयर हाउस आदि में की गई थी।
इन वेयरहाउस का अनुबंध 21 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 तक संपन्न हो गया था। 21 अप्रैल के पूर्व तक की खरीदी में इस क्षेत्र की सोसाइटियां ही मैपिंग स्थान उपलब्ध न होने के चलते शिवपुरी कोलारस बदरवास के विभिन्न वेयरहाउसेस में हो रहा था, जो कि नियमानुसार सही था। लेकिन अधोलिखित इन वेयरहाउसों के अनुबंध क्रमशः होने के बाद तत्कालीन जिला प्रबंधक अरुण जैन के द्वारा व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वेयरहाउस में 3 से 4 सोसाइटी की मैपिंग की जाती रही। इसी बीच 27 अप्रैल को अरुण जैन का स्थानांतरण जिला भिंड हो गया तथा शिवपुरी में नवीन जिला प्रबंधक एसएन माहेश्वरी के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया। चूंकि इस समय पर गेहूं उपार्जन में खरीदी का कार्य तेजी से चल रहा था, इस दौरान परिवहनकर्ता महादेव गुड्स कैरियर के द्वारा सोसाइटियों की मैपिंग के विपरीत इन वेयरहाउसों पर गाड़ी को अनलोड न करके लंबी दूरी लगभग 80 से 100 किलोमीटर शिवपुरी, बदरवास और कोलारस के विभिन्न वेयरहाउसों में परिवहन किया जाता रहा। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में परिवहनकर्ता की स्वीकृत दरों SORR से 119% अधिक परिवहन करने से शासन को प्रति किलोमीटर व्यय लगभग 400 रुपए प्रति टन आता है। 80 से 100 किलोमीटर की दूरी में व्यय प्रति टन 950 रुपए आता है। इस समय यह भ्रष्टाचार निकल कर सामने आया, लेकिन इसके बाद भी तत्कालीन जिला प्रबंधक अरुण जैन के द्वारा महादेव गुड्स कैरियर के द्वारा मैपिंग अनुसार कार्य संपन्न करने को कहा गया। लेकिन इसके बाद भी महादेव गुड्स कैरियर के द्वारा सैकड़ों की संख्या में ट्रक को अन्य जगह लोड अनलोड किया गया और लगभग 2 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर शासन को वित्तीय नुकसान षड्यंत्र पूर्वक पहुंचाया गया। यह बता दें कि शासन को भ्रमित कर लिया गया परिवहन का ठेका। जी हां, महादेव गुड्स कैरियर की कंपनी में 6 पार्टनर हैं। 12 जुलाई 2021 को इनके एक पार्टनर के द्वारा शिकायत की गई कि उनके द्वारा संलिप्त पावर ऑफ अटॉर्नी में मेरे हस्ताक्षर नहीं है एवं उनके द्वारा इस संबंध में अन्य शिकायतें भी की गई, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के हस्ताक्षर की जांच करवाई जाए व निविदा शर्त के अनुसार इसके जाली होने की दशा में इनका ठेका निरस्त कर इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। यहां हम आपको बता दें कि मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस संबंध में शिवपुरी कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। जी हां, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आशुतोष की शिकायत पर जिला कलेक्टर अक्षय सिंह को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात कही है, जिससे हुए भ्रष्टाचार का मामला सामने आ सके। इस पूरे मामले को अगर गंभीरता से लिया जाए, महावीर गुट के पंकज गुप्ता, तत्कालीन समय के प्रबंधक एसएन माहेश्वरी और कहीं ना कहीं आरसी मौर्य और कपिल चंदेल की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही है। कपिल चंदेल एक अटैच दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। मात्र कुछ ही वर्षों में एक बहुमंजिला मकान एवं अकूत संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है और कहीं ना कहीं ये बात भी मिली भगत की बात को प्रमाणित करती है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इतने बड़े घोटाले के बाद भी क्या फिर उसी फर्म से कराया जाएगा इस वर्ष भी परिवहन, या फिर उस फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इतने बड़े गेहूं परिवहन घोटाले में अधिकारियों पर गाज गिरेगी या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करके विभाग रह जाएगा? क्या महावीर गुड्स और एसएन माहेश्वरी पर एफआईआर दर्ज होगी? अब देखने वाली बात ये भी होगी कि एक गेहूं परिवहन घोटाले में आखिर कब तक कार्रवाई होगी। स्थानीय मंत्री विधायक यशोधरा राजे सिंधिया के पत्र के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।